गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की कार्यपत्रक है वो है 7, जो वर्कशीट है हमारी 7 है और 16 अक्टूबर इसकी डेट है। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान, जिसको हम SST भी बोलते हैं, और ये हमारे को सरकार जो हमें देती है वर्कशीट वो है कक्षा 7th है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि आप रोजाना लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास की टीचर का नाम, क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण के कारक। क्या है पर्यावरण के कारक, या पर्यावरण के घटक भी हम बोल सकते हैं। क्या है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। सबसे पहले पर्यावरण हम किसे कहते हैं, पहले हमें पर्यावरण की जो है डेफिनेशन या परिभाषा जिसे बोलते हैं हम, वो आना चाहिए। क्या है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जैसे हम जीवित हैं, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को हम क्या बोल रहे हैं, पर्यावरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पर्यावरण। इनमें से प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। इसमें जो प्राकृतिक है मतलब जो नेचर ने हमें दिया है, हमारा उनको बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं होता। प्राकृतिक वो, मानव निर्मित जो मानव ने क्या है बनाया है अपने आप, और मानव तीनों शामिल होते हैं। भूमि जिसे लैंड बोलते हैं, जल, पानी, वाटर, वायु जिसे एयर बोलते हैं, पेड़ और पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, इनमें से कुछ जीव्य हैं और कुछ अजीव्य हैं। इनमें से मतलब कुछ जीव्य हैं मतलब जो जीते हैं, और कुछ हैं अजीव्य, जिसे हम लिविंग, और हमने पढ़ा था साइंस में भी क्या था, लिविंग और नॉन लिविंग। जो जीवित होते हैं वो लिविंग, और जो जीवित नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि पर्यावरण क्या होता है और प्राकृतिक पर्यावरण किस किस से मिलकर बना होता है। और पर्यावरण में इनमें से कुछ जैविक होते हैं कारक या घटक भी बोल सकते हैं, और दूसरे जैविक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, अजैविक होते हैं। अब क्या है पर्यावरण के कारक या ऐसे घटक हम बोलते हैं, दो पार्ट में बटा हुआ है, कौन सा, जैविक और अजैविक। ठीक है ना, इसको हम बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर भी हम बोलते हैं, अगर किसी को समझना हो तो। ठीक है ना, जैविक और अजैविक। अब जैविक की हमें डेफिनेशन हम पता होनी चाहिए कि जैविक होता क्या है। अब हम जैविक को पढ़ते हैं, क्या है, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं। ये क्या होते हैं, जैविक, ये किसी भी पर्यावरण के, चाहे हमारा कोई सा भी पर्यावरण है उसके क्या, कैसे घटक होते हैं, ये जीवित, जो जिंदा होते हैं, ये वो घटक हैं, जैसे मनुष्य, जैसे हम, जानवर, पेड़ आदि। क्या है, ये जीवित कारक हैं, जीवित घटक हैं, हमें ये याद रखना है। अब क्या है अजैविक, यह किसी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। क्या होते हैं, निर्जीव, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। ठीक है, तो यह क्या है, हमारे जैविक और अजैविक कारक या घटक हमने पढ़ लिया। इनकी दोनों की हमें डेफिनेशन पता हो गई कि जैविक क्या है, कि वो ये किसी पर्यावरण के क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, मानव, पेड़ आदि। और अजैविक क्या है, यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। अब हम पढ़ेंगे आगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैविक कारक के कुछ उदाहरण लिखो, जैसे पौधे, जानवर और क्या है, मनुष्य। ये आपका मैंने लिख रखा है, क्या है, मनुष्य, मनुष्य भी हमारा जीवित है। कवक जिसको हम बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ये आप मशरूम आपने खाई होगी, मशरूम भी क्या है, एक कवक है। जीवाणु, ये इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, ये भी क्या है, हमारे जैविक कारक होते हैं। और हमारे अजैविक कारण कौन से हैं, जो मतलब हमारे जीवित नहीं हैं, निर्जीव हैं, वो कौन कौन से हैं, भूमि, वायु, जल, मिट्टी, सूरज की रोशनी। और हमारा अगर हम वो लिखना चाहें तो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, जैसे ताप बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, अब है दिमागी कसरत। अब हमें क्या कह रहा है कि जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। अब हमारा जैव मंडल है, जैव मंडल में दोनों शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं, हमारे जैविक भी और अजैविक। हमें क्या लिख देंगे यहाँ पे, जैविक और अजैविक, हम यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे, आप यहाँ से देख के उतार लेना, ये वो है। ठीक है ना, दोबारा लिख देती हूँ एक बार, जैविक और अजैविक, मतलब जो जीवित है और जो जीवित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अजैविक एक
पारितंत्र के जीवित भागों को प्रभाषित करता है। ये सही है कि गलत? अभी आपने क्या पढ़ा, अजैविक क्या है? यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, मतलब ये जिंदा नहीं होते, निर्जीव होते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत पे हम निशान लगा देंगे। ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये जीवित तो है नहीं, ये तो अजीवित है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजैविक, जैविक का अर्थ क्या है, जैविक का अर्थ क्या है, हमें यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखनी है। हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं। क्या होते हैं ये, किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, जैविक घटक। और इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण क्या लिख देंगे, मनुष्य, जानवर, पेड़, कवक, हम यहाँ से उतार के ये लिख देंगे। अब बच्चों क्या है, हमें ये जरूर हमें पढ़ना है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। आपको पता है कि हमारा क्या है, कोरोना काल चल रहा है, तो हमें इसमें क्या है, 2 गज दूरी का हमेशा हमें क्या है, या 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी बोलते हैं। और हम कहीं बाहर जाएँ तो हमें मास्क का ध्यान रखना है, उसको हमेशा लगाएँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। बच्चों प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा के बता देना कि आपको अच्छी लगी है, जिससे आगे हम और अच्छी बनाने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने दूसरे बच्चों को भी ये वर्कशीट शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।